सी लैंग्वेज की आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे मल्टीपल इफ। तो स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड stdio.h देन वाइड मेन। ओके, इस प्रोग्राम में क्या होगा हमारा, हम करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, और इसमें होना क्या है, रन टाइम पे हमसे बोलेगा एंटर सिंबल। अगर मैं प्लस का सिंबल डालता हूँ तो वो प्लस कर देगा, अगर मैं माइनस का सिंबल डालूंगा तो वो माइनस कर देगा, अगर मैं मल्टीप्लाइड एंटर करूँगा तो दो नंबर का वो मल्टीप्लाई कर देगा, अगर मैं करूँगा डिवाइड तो दोनों नंबर्स को वो आपस में कर देगा डिवाइड। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमने लिया दो वेरिएबल इंट ए एंड बी। ओके, देन एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया हमने सी एच। अगेन एक मैसेज दिया प्रिंट एफ, प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर स्कैन एफ लिया आपने, और जो ये जो फर्स्ट नंबर है इसको होल्ड करवा लेंगे आप वेरिएबल ए में। देन प्रिंट एफ एंटर सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर को आप होल्ड करवा लेंगे वेरिएबल बी में। तो लेंगे स्कैन एफ परसेंटाइल डी एड्रेस ऑफ बी। ओके, अब हमारे दोनों नंबर ए में, पहला नंबर तो हमारा ए में आ गया और सेकंड नंबर हमारा बी में आ गया। ओके, आप क्या करेंगे, अब हम देंगे चॉइस, जैसे कि एंटर योर चॉइस। पहले तो मैं एक यहाँ पर लगाता हूँ सेपरेशन इक्वल लाइक प्रिंट एफ स्लैश एन ले लेंगे आप। स्लैश एन लेने के बाद में मैंने यहाँ पर ये लगा दिया। ओके, देन प्रिंट एफ एंटर योर चॉइस। चॉइस से पहले मैंने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया प्रिंट एफ में, जैसे कि एंटर फॉर सम, और ऐसे ही मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन MUL और डिवीजन DIV। तो ये हमने एक मैसेज दे दिया ताकि यूजर को मालूम चल जाए रन टाइम पे करना क्या है। ओके, अब आएगा एंटर योर चॉइस, यहाँ पर भी स्लैश एन ले लेंगे हम। अब तो चॉइस होगी यूजर की, उस चॉइस को क्या करेंगे हम, एक वेरिएबल है हमारे पास में CH, उसमें होल्ड करवा लेंगे एड्रेस। ओके, परसेंटाइल सी लेंगे क्योंकि हमारा जो CH वेरिएबल है ये करेक्टर टाइप है, और एड्रेस ऑफ CH ले लेंगे। देन मैच करते हैं इफ हमने CH में जो भी एंटर किया है वो क्या डबल इक्वल टू प्लस के हैं, किसके प्लस के, अगर प्लस के होता है ओके तो क्या करेगा वो, वो प्रिंट कर देगा। ओके, प्रिंट कर देगा परसेंट ये ए प्लस बी को। अगेन इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे
अब मैंने यहाँ लिया जी, प्लस हो गया, ये हमने ले लिया माइनस, और माइनस होगा तो यहाँ पर वो आपस में माइनस हो जाएंगे, देन मल्टीप्लाई। ओके, अगर मल्टीप्लाई होंगे तो वो आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए हम यूज करेंगे स्टार, मतलब एस्ट्रिक सिंबल, अगेन डिवीजन। तो डिवीजन के लिए यहाँ पर डिवाइड ले लेंगे आप। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया, रेडी है। इसमें क्या होगा, जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो पहले आपसे बोलेगा एंटर फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट नंबर आप डालेंगे वो वेरिएबल ए में होल्ड हो जाएगा। देन बोलेगा आपसे एंटर सेकंड नंबर, और जो हम सेकंड नंबर डालेंगे वो वेरिएबल बी में आ जाएगा। ओके, देन हमें देगा ये मैसेज दिखाएगा कि प्लस डालेंगे तो सम कर देगा, और माइनस डालेंगे तो सब्ट्रैक्शन कर देगा, और स्टार मतलब एस्ट्रिक डालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देगा, और ये डिवाइड का सिंबल डालेंगे तो डिवाइड कर देगा। फिर आपसे बोलेगा एंटर योर चॉइस, तो जो भी चॉइस होगी आपकी, प्लस माइनस जो भी डालेंगे वो सी एच वेरिएबल में आके होल्ड हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। पहले तो हम प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, मल्टी सी डॉट सी। ओके, इसे करेंगे आप पहले एग्जीक्यूट में आकर कंपाइल। देन उसके बाद में कंपाइल एंड रन कर देंगे। एक मिनट, कोई एरर तो नहीं है? कंपाइल एंड रन कर देंगे। ओके, एंटर फर्स्ट नंबर मैंने डाला 100, सेकंड डाला मैंने 50। ओके, देखो इसमें क्या हुआ, एंटर योर चॉइस तो इसने बोला ही नहीं। एक्चुअल में क्या है, इस एंटर योर चॉइस, ओके, इसकी ये एक प्रॉब्लम है कि इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पर लगाना होगा F प्लस। क्या लगाना होगा? F प्लस। कहाँ पर? यहाँ पर, इससे पहले F प्लस और STDIN और सेमीकोलन, ये हमने किया एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन किया, ये 50 डाला हमने। ओके, अब देखो जी, प्लस डाला हमने, एंटर किया, ये आ गया 150। क्लियर? अगेन रन किया मैंने इसे, एंटर किया हमने सेकंड नंबर। ओके, क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो डालेंगे स्टार, ये मल्टीप्लाई हो गया आपस में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। तो क्लास को मैं करता हूँ स्टॉप।